नमस्कार दोस्तों, गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की रीति रिवाज और प्रथाओं का पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका था और पार्ट सेकंड में कुछ अन्य जो रीति रिवाज और प्रथाएं थी उनको लेकर मैं इस पार्ट में और क्वेश्चन आंसर के साथ हम डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल में। तो चलिए अब शुरू करते हैं जो सेकेंड पार्ट है वो। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट आया था वो उसमें राजस्थान के रीति रिवाज में जन्म, विवाह और शोक से संबंधित यानी दुख से संबंधित जो चीज़ है वो पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आ गई थी। आप चाहो तो देख सकते हो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर जो एंड में जो एनोटेशन आते हैं उसमें भी मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट किस प्रकार था। और जो पार्ट सेकेंड है, कुछ अन्य रीति रिवाज होती है जैसे सती प्रथा, डाकन प्रथा और तमाम प्रकार की जो प्रथाएँ हैं वो पार्ट सेकंड के अंतर आज अध्ययन करेंगे और बाद में अंत में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले सती प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे। सती प्रथा को जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं सहमरण यानी साथ मरना, सहगमन साथ जाना, इस प्रकार से अनुवारोहण भी ये अन्य नामों से जानी जाती है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सती प्रथा होती क्या है। पति की जैसे ही मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात पत्नी है उसकी चिता में, चिता के साथ है वो जल जाना ही एक तरीके से उसको बोलते हैं सती प्रथा, यानी उसके साथ सती हो जाना। ये जो मध्यकाल था उसमें सतीत्व और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के थ्रू ये प्रथा है वो अत्यधिक प्रचलन में थी और बाद में इसने इसका रूप है वो भयावह हो गया। इसकी वजह से इसको रोकने के प्रयास हैं वो समय समय पर किए गए और यही अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आने लायक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर मध्यकाल में बात की जाए तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रथम प्रयास है वो किया गया था। उसके बाद में 1829 ईस्वी की बात है, राजा राम मोहन राय है उनके प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर है वो रोक लगाई थी। ये याद रखें, 1829 ईस्वी राजा राम मोहन राय के प्रयास थे और विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी। अगर राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन आए और इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आ चुका, बन चुका, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर पहली बार रोक लगाने की बात आए तो 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में और वहाँ के राव थे राव विष्णु सिंह ने वहाँ पर सती प्रथा की जो है वो गैर कानूनी घोषित किया गया था सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में। उसके बाद में इसी प्रकार 1825 ईस्वी में है वो बीकानेर में किया गया था और 1830 ईस्वी में जो अलवर है वहाँ के महाराजा बन्ने सिंह होते थे उन्होंने किया था। और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका, 1844 ईस्वी है जयपुर के राम सिंह सेकेंड ने ये प्रथा पर गैरकानून घोषित किया गया था। तो ये चीज़ें हैं आप ध्यान रखें। उसके अलावा एक लेटेस्ट जो अपने को एग्जाम्पल मिलता है जो सती होने का वो 1987 ईस्वी की घटना है और श्रीमाधोपुर होता है, पड़ता है दोस्तों सीकर जिले में और वहाँ का देवराला ग्राम था और वहाँ की जो महिला थी वो रूपकंवर महिला थी जो सती हुई थी। और इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए जो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान राज्य सती निवारण अधिनियम है वो अध्यादेश है वो 1987 में लागू किया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, 1987 में राजस्थान राज्य जो सती निवारण अध्यादेश है वो लागू किया गया था। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो सती प्रथा से रिलेटेड है, इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए उसी प्रकार हम पढ़ते हैं आगे की प्रथा। दूसरी प्रथा की दोस्तों मैं बात करूंगा वो है दास प्रथा। तो पहले हम बात करेंगे दास प्रथा होती क्या है। प्राचीन काल का टाइम था दोस्तों, दास प्रथा बहुत मायने में प्रचलित थी और ऐसे व्यक्ति हैं जो युद्ध में बंदी बनाए गए हो या फिर कोई भी उनको किसी से उन्होंने उधार लिया हो, ऋण उधार लिया हो और जागीरदार हैं वो वापस चुका नहीं पाए हो और जागीरदारों द्वारा वो कहीं ना कहीं शोषित हुए हो और उनको दास बना लिया गया है, यानी उनको गुलाम बना लिया जाता था, एक तरीके से उनसे काम करवाए जाते थे इसी, और उनका जो दास है उनका बाद में क्रय विक्रय भी किया जाता था। इसी प्रकार ये एक प्रथा थी, वो भयावह प्रथा थी, उसका नाम था दास प्रथा। और लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने इस पर सर्वप्रथम है वो दास प्रथा पर रोक लगाई थी। और 1832 ईस्वी में राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला और वहाँ के जो कोटा बूंदी राज्य थे उन्होंने सबसे पहले इसको गैरकानून घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी है पूछा जा चुका है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से अवेयर रहें। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्यावध प्रथा है और इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कन्यावध प्रथा है, इसमें क्या होता होगा। कन्या जैसे ही जन्म लेती थी
और उसको उसी प्रकार है जन्म लेते ही उसको गला घोंट के मार दिया जाता था या फिर और प्रकार से ही उसको मार दिया जाता था। बस यही था कि कन्या अब बाद में हम आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तमाम प्रकार के जो नारे लाकर हम इस प्रकार की समाज में जागृति का काम कर रहे हैं। लेकिन अपने जो पूर्व की चीज़ें पढ़ रहे हैं इसी हिसाब से हाड़ौती के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके प्रयास से लॉर्ड विलियम जो वेंटिंग है उन्होंने इस प्रथा पर सर्वप्रथम है और रोक लगाने की काम किया गया था। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो 1833 ईस्वी में कोटा रियासत ने और 1834 ईस्वी में बूंदी रियासत ने इस प्रकार की प्रथा पर रोक लगाई थी कन्यावध प्रथा पर। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है पटवार 2011 में 1833 ईस्वी और किसने लगाई थी कोटा रियासत इससे संबंधित है वो क्वेश्चन है आ चुका है। आगे क्वेश्चन आंसरों में भी ये क्वेश्चन मैंने उठाया है तो वहां पर आपके ज्यादा समझ में और आ जाएगा। चलिए बात करते हैं त्याग प्रथा की। त्याग प्रथा क्या होती है दोस्तों? राजस्थान में देखिए बेसिकली जो राजपूत होते थे राजपूत जाति थे उनकी जो लड़की की शादी होती थी और लड़की की शादी में वो क्या करते थे विवाह के अवसर पर अगर चारण है भाट है डोली है ये क्या करते थे मुंह मांगी दान दक्षिणा मांगते थे कि हमें इतना चाहिए और दान दक्षिणा मांगने के लिए हट करते थे यानी कि हमें तो इतने चाहिए और इसी को बाद में वो चुकाते थे और इसी प्रथा को बोलते थे त्याग प्रथा। बाद में ये जो प्रथा है जो समय के साथ साथ है ये प्रथा है क्योंकि लड़की वालों के लिए बोझ बन गई थी और इसी प्रथा पर रोक लगाना अनिवार्य हो गया था इसलिए 1841 में प्रथम प्रयास किया गया था जोधपुर राज्य में इसको सीमित जो दायरा इसका बना दिया गया था सीमित नियम बना दिए गए कि आप इतने रुपए से ज़्यादा नहीं लगो इस प्रकार से नियम बना दिए गए थे। लेकिन अगर पूर्णतया रोक की बात करें तो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयासों के द्वारा महाराजा हुए थे जोधपुर के और उन्होंने महाराजा मान सिंह ने इस प्रथा पर है वो रोक लगाई थी। तो इनका नाम याद रखें और किन के प्रयासों से याद रखें ये चीज़ें आप याद रखें ताकि एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए इतना ही अपना प्रयास है। बात करते हैं पांचवी यानी समाधि प्रथा की। समाधि प्रथा क्या होती है? देखिए दोस्तों समाधि के कुछ टाइप होते हैं। समाधि पानी में भी समाधि ली जा सकती है यानी पानी में बैठकर जान देना अपनी या फिर भूमि में गड्ढा खोदना और गड्ढे में बैठ जाना ऊपर मिट्टी डलवा देना इसको बोलते हैं। ये भी एक जो भूमि भू समाधि जिसको बोलते हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो समाधि प्रथा थी एक तरीके से अपनी जो है ई लीला समाप्त करना था और इस ई लीला में क्या करते थे जो जनता थी वो खड़ी खड़ी देखती थी और उनकी पूजा याचना करती थी कि कितना महान आदमी है। तो इस प्रथा एक तरीके से ये प्रथा है ये जो आत्महत्या का नाम हम अभी इस टाइम देते हैं और ये आत्महत्या का रूप ही थी इसकी वजह से इस प्रथा पर भी जो रोक लगाना है वो अनिवार्य हो गया था। इसकी वजह से सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में जो जयपुर रियासत है उन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था और जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे लुडलो उनके प्रयास से 1861 में इसे जो रिलेटेड है वो कानून भी इसे रिलेटेड है वो बनाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखें 1844 ईस्वी जयपुर रियासत ने इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था। और इसके अलावा 1844 ईस्वी में जयपुर ने क्या किया था जयपुर ने सती प्रथा पर भी गैर कानून घोषित किया गया था। तो ये भी आप याद रखें दोनों साथ साथ याद रखोगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट प्रथा है दोस्तों वो है डाकन प्रथा। डाकन प्रथा क्या है? देखिए डाकन प्रथा है राजस्थान में जो भी है कई जो जनजातियां हैं विशेषकर और वहां पर जो आदिवासी जातियां हैं वहां पर स्त्री को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता कि ये एक प्रकार से डाकन है यानी उसमें कोई मृत आत्मा है वो प्रवेश कर गई है इसकी वजह से उसको कई कई बार तो उसको मार भी दिया जाता था और उसको प्रताड़ित किया जाता था। तो इस प्रथा पर जो रोक लगना अनिवार्य हो गया था। अपन कहते हैं ना कि यार डाकी है क्या तो इस प्रकार से डाकी है डाकन है ये इस प्रकार के तुच्छ वर्ड भी हैं एक तरीके से। तो ये एक घिनौनी प्रथा थी और इस प्रथा को रोक लगाने के लिए इस प्रथा में से कई क्वेश्चन हैं वो बन चुके हैं तो अपन एक एक करके उनका डिस्कशन करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बना था डाकन प्रथा के अंतर्गत जो आदिवासी जातियां हैं भील और मीणा तो वहां पर ये पूछा गया था निम्न प्रथा जो डाकन प्रथा है उसमें कौन सी जो आदिवासी जनजातियां शामिल है तो उसमें भील आंसर मीणा आंसर था। पटवार 2011 में ये क्वेश्चन है वो सीधा सट पूछा गया था। और उसके बाद में सर्वप्रथम अगर रोक लगाने के प्रयासों की बात की जाए 1853 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह कुछ बुक्स में जो आरबीएससी वाली बुक्स हैं वहाँ पर जवान सिंह लिखा हुआ है लेकिन 1853 ईस्वी में जो शासन था वो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह का ही था तो ये राइट आंसर है मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। उन्होंने उनके समय में खेरवाड़ा में क्या किया गया था मेवाड़ भील कोरक
ये मेवाड़ भीलकोर है। 1837 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय था मेवाड़ भील का, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये कॉलेज व्याख्याता है उसमें 2016 वाले में आ चुका। खेरवाड़ा इसका मुख्यालय है उदयपुर, और इसका जो एक अन्य छावनी है, दो छावनियाँ हैं, एक खेरवाड़ा है एक कोटड़ा है, तो दो छावनियाँ हो गई। और ये जो घटना है, इस जो डेट है, ये पूछी गई थी कॉलेज व्याख्याता 2016 में, तो ये याद रखें। और महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयासों से मेवाड़ भीलकोर है, उनके जो कमांडेंट थे जे सी ब्रुक, उन्होंने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। तो ये चीज़ें सारी की सारी एक सम्मिलित चीज़ें हैं और वो आप क्रम से याद रखोगे। तो सबसे पहले 1853 ईस्वी मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के प्रयास थे, और मेवाड़ भीलकोर कॉर्प्स उनकी स्थापना जो कमांडेंट थे जे सी ब्रुक, उन्होंने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगली प्रथा है बाल विवाह। इसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ आपको सबको पता है बाल विवाह है, बाल विवाह सबको पता होता है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत बेसिकली जो बाल विवाह है वो अक्षय तृतीया, जिसको हम बोलते हैं अखा तीज, वहाँ पर सर्वाधिक होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके अलावा कम उम्र में विवाह करना, यही होता है बाल विवाह। राजस्थान में अगर बात की जाए तो 1885 ईस्वी है, वहाँ पर जोधपुर रियासत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सर प्रताप सिंह उनका नाम था, और उनने क्या किया था, बाल विवाह प्रतिबंधक कानून है वो बनाया था। और इसी के तहत 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट बनाया गया था, और ये किसके प्रयासों से था, हरविलास शारदा, और बाद में ये शारदा एक्ट जो निरस्त करके बाद में ये जो बाल विवाह अधिनियम वगैरह बना दिए गए थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। उसके बाद में आठवें नंबर पर बात करते हैं मानव क्रय विक्रय प्रथा, यानी इससे आपको पता चल रहा है कि मानव है उसको बेचना खरीदना, इस प्रकार की प्रथा है, तो इसको नाम दिया गया था मानव क्रय विक्रय प्रथा। और इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्त्रियाँ हैं और जो लड़के लड़के हैं उनको क्रय विक्रय किया जाता था, तो ये प्रथा है बहुत ही विकराल रूप ले चुकी थी। कोटा राज्य में सर्वप्रथम इसकी रोक लगाई गई थी 1831 ईस्वी में, लेकिन ये प्रथा है वो जारी रही थी, ये एक प्रथम प्रयास था। लेकिन जो पूर्ण रूप से अगर बात करें तो 16 फरवरी 1847 ईस्वी में जयपुर रियासत ने इसको अवैध यानी गैरकानूनी इसको घोषित किया गया था, अवैध इसको घोषित कर दिया गया था। तो ये डेट है, आप मुगजवानी 1837 वाली याद रखें और जयपुर रियासत आप याद रखें। उसके बाद में बात करते हैं नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या होती है, देखिए दोस्तों, पति पत्नी होते हैं, पति अगर फोत हो जाता है, फोत का मतलब होता है मृत्यु, तो पति पत्नी में से किसी पति की फोत हो जाती है, तो पत्नी क्या है, दूसरे पति के साथ दूसरे पति के साथ जैसे चली जाती है दूसरे पुरुष के साथ, तो इसको बोलते हैं नाता करना, नाता प्रथा इस प्रकार से है। आपको जस्ट ऐसे दिमाग में क्लिक करना है ताकि इस प्रकार के क्रम व जो क्वेश्चन है नाता प्रथा है उसमें ऑप्शन दिए हुए तो आपको कर दे, उसमें बाकी इंपॉर्टेंट वाली चीज इसमें है नहीं। उसके बाद में बात करते हैं विधवा विवाह। तो आपको पता चल रहा है विधवा विवाह यानी जो एक बार उसकी जिसके पति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसकी शादी कराना, तो इसको बोलते हैं विधवा विवाह। तो लॉर्ड डलहौजी है, उन्होंने स्त्रियों को इस जो दुर्दशा से मुक्ति प्रदान करने के लिए 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो प्रयास थे उनको मूर्त रूप दिया, और ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो बनाया 1856 ईस्वी में। ये याद रखें विधवा विवाह को, ये लॉर्ड डलहौजी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये याद रखें। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। कई बार क्या होता है मिलान वाले क्वेश्चनों में भी इस प्रकार के जो तमाम प्रकार की प्रथाएं दी जाती है वहां पर आपको अंत में डेट दी जाती है या फिर उनसे संबंधित जो है राजा महाराजा है उनका नाम दे दिया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बनने के चांसेस श्योर श्योर हैं होते हैं। अगली प्रथा है वो है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा क्या होती है दोस्तों, इसमें जो प्रथा है उसमें क्या होता है, जो राजा महाराजा और जो जागीरदार होते हैं ये अपनी लड़की की शादी में शादी करते हैं, और शादी के साथ कुछ है दहेज रूप में कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इसको दी जाती है, उस तो उसी को बोलते हैं डावरिया डावरिया प्रथा। तो ये याद रखें कुंवारी कन्याएं साथ में दी जाती है इसको बोलते हैं डावरिया प्रथा। उसके बाद में कुछ और प्रथाएं हैं, अनुमरण है, ये तमाम प्रकार की जो प्रथाएं हैं कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आंसर में मैं ले लूँगा। अनुमरण क्या होता है, पति की मृत्यु अगर जैसे मान लीजिए बाहर हो जाती है, जैसे अपने इराक सबसे ज़्यादा जाते हैं तो इराक में हो जाती है, तो वहाँ पर अगर उसको जला दिया जाता है तो उसके बाद में जो वहाँ पर लाश तो उसको भारत में लाने का प्रावधान नहीं लाया गया मान लो बाई चांस, तो पत्नी को उसको चिता में उसकी पति की कोई फोटो वगैरह उसकी निशानी के साथ जला दिया जाता था, इसको बोलते थे अनुमरण। तो इस प्रकार की केसरिया जौहर प्रथा, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। बार बार एग्जाम में जो मैं नाम जब इतिहास पढ़ाया था तब प्रकार की सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो यहाँ पर बताने की वो बेसिकली मैं जरूरत समझता नहीं।
पर्दा पड़ता है, दहेज पड़ता है, ये समाज इसमें कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं कुछ। 1833 ईस्वी में कन्या वध को रोकने जो गैरकानूनी है वो घोषित किया गया था कोटा राज्य के द्वारा, पाली, सिरोही और बारा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, 1833 ईस्वी है और कन्या वध को गैरकानूनी है वो कोटा राज्य ने गैरकानूनी घोषित किया गया था सबसे पहले। उसके बाद में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था, तो ये आपको बताना है। नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि जो कौन सा वो नरेश था कोटा राज्य का, उसने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास वह किया था। कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत आप जाकर जो जितनी ज़्यादा जल्दी आंसर देने की कोशिश जरूर करना। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई, 1837 ईस्वी में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में डाकनिया प्रथा है उस पर रोक सर्वप्रथम लगाई गई थी कोटा राज्य द्वारा, बीकानेर, उदयपुर या फिर किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं बता चुका कि उदयपुर राज्य है उसने जो डाकनिया प्रथा पर है सर्वप्रथम रोक लगाई थी। उसके बाद में शारदा एक्ट क्या था, शारदा एक्ट आपको पता है किससे रिलेटेड था, तो इसमें जो ऑप्शन है अर्जुन लाल, हरविलास, गोकुल भाई या फिर कोई नहीं, तो हरविलास शारदा के द्वारा शारदा एक्ट जो पंडित थे, ये चीज़ें याद रखें। उसके अलावा 1844 ईस्वी में किस राज्य की रिजेंसी काउंसिल ने ये कहा कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है, कोटा, बूंदी, जयपुर, झालावाड़। तो मैंने आपको बताया था 1844 में दो चीज़ें आपको मैंने बता दी थी और वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहली मैंने आपको सती प्रथा बताया था और दूसरी आपको नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि दूसरी कौन सी थी, क्योंकि आपके भी रिवीजन हो जाएगा और आपको भी ऐसे पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो इसका जो आंसर है वो होगा जयपुर, क्योंकि सती प्रथा के अनुसार मैंने 1822 बूंदी बताया था, उसके बाद में 25-30 इस प्रकार से क्रम से आते आते मैंने 1844 में जयपुर बताया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, रूप कंवर नामक जो महिला थी किस घटना से संबंधित थी, डाकन प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा या नन। तो ये यहाँ पर आपको आंसर है वो सती प्रथा हो जाता है, क्योंकि ये श्री माधोपुर जो क्षेत्र है सीकर का, वहाँ के देवराला ग्राम में अंतिम में जो घटना घटी थी 1987 में सती हुई थी और रूप कंवर घटना का जो सीधा सीधा संबंध है वो सती प्रथा से है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ चुका। अगर ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक डिसलाइक आप कर सकते हो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, फिर मिलेंगे साहब।